हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ स्टिपल चेज कैसे खेलते हैं। गेम बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप किसी के साथ भी खेल सकते हैं, अपने परिवार में। फैमिली गेम, एक फैमिली गेम है। तो इसमें होता है बेसिकली, आपको जैसे कि देख रहे हैं, ये एक हॉर्स रेसिंग की तरह है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ये एंड पॉइंट है, यहाँ तक लाना है। जो पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा। इस गेम में वैसे रूल्स के हिसाब से अगर जाए तो इस गेम को मैक्सिमम 3 प्लेयर्स खेल सकते हैं, पर लेकिन आप चाहें तो आप 3 से ज़्यादा खेल सकते हैं। तो इसको खेलना कैसे है, प्लेयर्स को सबसे पहले तो टर्न डिसाइड करना है। स्टार्ट करेंगे सभी प्लेयर। इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि सभी प्लेयर्स बारी बारी करके अपना डाई रोल करेंगे और जिस प्लेयर का हाईएस्ट नंबर है वो पहला टर्न चलेगा, वो पहला टर्न है, और जिसका हाईएस्ट है थोड़ा लो नंबर है वो सेकेंड। जैसे मान लीजिए आप 3 प्लेयर खेल रहे हैं, किसी का 6 आया, किसी का 5 आया, किसी का 1 आया, तो 6 वाला पहला टर्न चलेगा, 5 वाला दूसरा, 1 वाला तीसरा टर्न। इस तरह से आपका टर्न डिसाइड हो जाएगा, फिर आपका गेम स्टार्ट होगा। प्लेयर गेम खेलेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो नंबर आया है वही नंबर इसमें चलना है। जैसे 6 है तो 6 पे चलना है, इसी तरह से नंबर चलना है अपना। और जैसे इसमें 6 है तो आप इसका 6 का डबल टर्न नहीं ले सकते, वरना अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, वरना वैसे तो आप 6 का डबल टर्न नहीं लेंगे, एक एक टर्न ही चलेंगे, सबको एक एक सिंगल टर्न चलना है। इस तरह से आपको चलते रहना है और यहाँ तक एंड तक लाना है। और बीच में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फेंसिस लगे हुए जो है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, 5 जगह पर ये है। ये आपका कहते हैं फेंसिस है, यहाँ पर रुकावट है। यहाँ पर आते, मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर आया, यहाँ पर 15 16, इन दोनों के बीच आपका अगर डाई आ गया 15 और 16 के बीच में, तो आपको एक टर्न मिस करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टर्न आपको चलना होगा, नेक्स्ट टर्न में आप चलेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर 28 और 29 के बीच में आ गया तो आप एक टर्न मिस करेंगे, और वैसे यहाँ पर आपका अगर 43 और 44 के बीच में आ गया यहाँ पर, तो एक टर्न मिस करेंगे। यहाँ पर 66 और 67 के बीच आ गया तो एक टर्न मिस करेंगे, और यहाँ पर 79 और 80 के बीच आ गया तो एक टर्न मिस करेंगे। इसी तरह से इन दो दो जगह पर टर्न मिस करेंगे, इन कुछ जगह पर। बाकी आपको वैसे इनसे बचते हुए यहाँ तक 100 तक लाना है, जो पहले 100 पर आ गया वही इस गेम को जीतेगा। दोस्तों यही था, इस गेम में कुछ नहीं है, बहुत ईजी, बस आपको बचते हुए यहाँ तक लाना है। तो कैसा लगा आपका वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।